भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए और इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 131 रन बना सकी और भारत ने 48 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने शानदार पारी खेली। ईशान किशन ने 35 गेंदों में 54 रन का योगदान दिया और उन्होंने T20 में अपना 4वां अर्धशतक लगाया। इसी के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2रा अर्धशतक लगाया और इस सीरीज का भी उनका 2रा अर्धशतक रहा। आपको बता दें कि इसी दौरान ईशान किशन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और उन्होंने रोहित शर्मा, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि T20 इंटरनेशनल में ईशान किशन ने 13 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में गौतम गंभीर, युवराज सिंह और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सूची की बात करें तो ईशान किशन के नाम 13 पारियों में 37.75 की औसत से 453 रन हो गए हैं और ऐसे में उन्होंने गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं केएल राहुल, जिन्होंने 13 मैच के बाद में T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से खेलते हुए 500 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 13 मैच के बाद में भारत के लिए T20 में 461 रन हैं। वहीं अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं ईशान किशन, जिनके नाम 13 मैच के बाद 453 रन हैं। वहीं इस लिस्ट में 4थे नंबर पर गौतम गंभीर हैं, जिनके नाम 415 रन हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है युवराज सिंह का, जिनके नाम 13 मैच के बाद में T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 390 रन हैं। वहीं बात करें अगर रोहित शर्मा की तो इस लिस्ट में वह अगले नंबर पर आते हैं, जिनके नाम 320 रन रहे। तो ऐसे में ईशान किशन ने कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है और टॉप 3 में वह शामिल हो गए हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है ईशान किशन की इस बल्लेबाजी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।